मेरा नाम वंदना महाजन है और मैं पैलिएटिव केयर काउंसलर हूँ। मैं कुपित कैंसर नामक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं 2020 मार्च का वो दिन नहीं भूल सकती जब मेरे पास एक दिन में 4 से 5 पेशेंट्स के कॉल आए। घबराए हुए थे, डेस्परेट थे, कुछ तो रो भी पड़े क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हो गया था और उनके पास कोई माध्यम नहीं था जिससे वो हम तक पहुंच पाए या डॉक्टर की एडवाइस ले पाए या अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर पाए। तो उनकी डेस्परेशन, उनका घबराना बिल्कुल जायज था, बिकॉज जो लंग पेशेंट्स हैं उनको उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है। इस समय में इतने सारे पेशेंट्स थे जो हताश हो गए थे। पेशेंट्स का सोच के लंग कनेक्ट ग्रुप बनाया गया। ये जो लंग कनेक्ट ग्रुप है ये खाली पेशेंट्स को डॉक्टर ओपिनियन नहीं देता, ये पेशेंट्स की इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखता है। एक सोशल सपोर्ट ग्रुप है जिसमें सर्वाइवर्स, पेशेंट्स, केयर गिवर्स एक दूसरे का सहारा बनते हैं। डाइटिशियन आते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग कभी कभी मिलके अंताक्षरी खेलते हैं, कभी हम गाने गाते हैं, एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं। तो 2 साल हो गए, वन ऑफ इट्स काइंड ये वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप था और जो आज हम 50वां अपना सपोर्ट ग्रुप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये सेलिब्रेशन ही है क्योंकि हम पिछले 2 सालों में कम से कम 5,000 पेशेंट्स तक पहुंच पाए हैं। अब हमारा एम एक ही है कि हम किस तरह इस सपोर्ट ग्रुप को एक्सपैंड करें और इंडिया में जितने भी लंग कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स हैं उन सबको इस ग्रुप का पार्ट बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेशेंट्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है और लंग कनेक्ट ग्रुप के थ्रू हम अपने पेशेंट्स का वो सहारा बनना चाहते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, स्टडीज ने प्रूव किया है कि सपोर्ट ग्रुप्स, जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप से जुड़ते हैं वो मेंटली ज्यादा एट पीस रहते हैं, खुश रहते हैं और अपनी बीमारी के साथ बेटर डील कर पाते हैं। तो हमारे इस एंडेवर को प्लीज सपोर्ट कीजिए, इसको बाकी पेशेंट्स तक, लंग कैंसर पेशेंट्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। और एक समय शायद ऐसा आ जाएगा कि कोई भी लंग कैंसर पेशेंट अकेला नहीं महसूस करेगा। धन्यवाद।